तो ए टू जेड सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोबाइल हार्डवेयर क्लास 3 पे हम मौजूद हैं। आज हम लोग नोकिया 1280 की डिस्प्ले को देखेंगे कि अगर हम किसी मोबाइल की एलसीडी बदली भी करें, जैसे कि इसकी एलसीडी, ठीक है, ये इनकी एलसीडी है, एलसीडी बदली करने के बाद भी आपका मसला हल ना हो, या मतलब उसमें एलसीडी में लाइटिंग ना आ रही हो, या फिर डिस्प्ले ही नहीं आ रहा हो, या फिर डिस्प्ले आ रहा हो लाइट ना आ रहा हो, ठीक है, इस तरह के कोई मसले हो, तो आप उस मसलों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एलसीडी चेंज करोगे तो आपको सर्किट में ये 12 प्रिंट नज़र आएंगे, ठीक है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। सही है, एलसीडी चेंज करने के बाद आप ये देखिए कि ये एलसीडी की प्रिंट है 12, ठीक है। ये मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, अब सही है, ठीक है, ये 12 प्रिंट है। इन 12 प्रिंटों को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके एलसीडी पे भी 12 प्रिंट होते हैं, और ये 12 प्रिंट अगर आप अब समझ जाओगे तो आपको अगले मोबाइल रिपेयर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी एलसीडी काम कैसे करती है, सही है। जो इसका इस सेट वाला ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, फिर दो छोड़ के चौथा नंबर, ठीक है, ये वाला, सही है, फिर इस सेट से पहले वाला, और फिर दो छोड़ के चौथे वाला, ये चार पॉइंट आपके इन मोबाइलों में जिनमें 12 प्रिंट की एलसीडी लगी हुई है, ठीक है, जिनमें 12 प्रिंट की एलसीडी लगी हुई है, ये सब माइनस है, सही है। जीएनडी, इसे आप जीएनडी बोल दो, 12 में से 4 गए आपके, क्योंकि ये 4 आपको माइनस मिले, ठीक है, माइनस मिले तो इसको आप जीएनडी कह दो, ये आपके जीएनडी है, माइनस पॉइंट है, तो 12 में से आपके पास बचे बाकी 8, ठीक है। अब 8 पे से आप ये देख लो कि ये दो पॉइंट आपके जो है ना, सही है, मैं इसे जरा और डार्क कर देता हूँ, सही, ये दो पॉइंट, सही है, ये वाले, दूसरा और तीसरा, ये है आपके लाइट पॉइंट, क्या ये है आपके ठीक है, ये है आपके लाइट के पॉइंट, लाइट के पॉइंट में से ये वाला आपको ये देख लो, सही है, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका प्लस पॉइंट, ठीक है, और ये वाला जो है ये है आपका माइनस पॉइंट, ठीक है, ये वाला आपका माइनस पॉइंट है। तो अब 12 में से आपके 4 और 2, ठीक है, 6 गए, 6 में से आपके बच्चे अभी सिर्फ 6 पॉइंट, ठीक है, तो ये जो आपके 6 बाकी बच्चे हुए हैं, सही है, ये आपके है डिस्प्ले के पॉइंट, मिसाल के तौर पे ये वाला, सही है, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, दूसरा, तीसरे सेट से, फिर पांचवा, ये छठा, सात, ठीक है, ये 6 पॉइंट, 4 ये, सही है, 4 ये पॉइंट और 2 ये, ठीक है, ये है आपके डिस्प्ले के पॉइंट, सही है, इसके साथ में यहां पर डी लिख लेता हूं, ठीक है, ये आपकी डिस्प्ले के पॉइंट। अब हम लोगों ने इस मोबाइल के पॉइंट तकसीम कर दिए हैं, और ये 12 प्रिंट की एलसीडी तकरीबन यूज हो जाए कि बहुत ज्यादा मोबाइल में लग रही है, सही है। आप मैं उसको बाकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम मोबाइल की तस्वीरें शो करवा दूंगा कि 12 प्रिंट की एलसीडी कितने मोबाइल में लग रही है। कभी आपके पास की किसी मोबाइल में एलसीडी का मसला आ रहा हो, एलसीडी चेंज करने के बाद भी आपका मसला हल ना हो, तो उसमें 12 प्रिंट की एलसीडी हो, तो आप उसका मसला इस तरह से हल कर सकते हो। अब 12 प्रिंट में से आपके 6 प्रिंट आपको डिस्प्ले के मालूम होंगे, सही है। अगर आपके मोबाइल में एलसीडी में डिस्प्ले आ रहा है और उसका
लाइटिंग नहीं आ रहा, तो आप उसको यहाँ से रिपेयर करवा सकते हो कि आपकी एलसीडी की लाइटिंग नहीं आ रही। तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि माइनस पॉइंट बहुत ही कम ख़राब होता है, मतलब ख़राब भी नहीं होता। तो उसका प्लान यहाँ पर इस प्लस पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही हो, सही ना, विलियम नहीं आ रही हो, तो आप इसको ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको आराम से जो है ना ये पॉइंट मिल जाएगा। मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि कहाँ से लेना है प्लस पॉइंट, ठीक है। आपने यहाँ से ये वाला प्लस पॉइंट लेना है, फिर आपको ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट मालूम कर लिया तो आपकी डिस्प्ले की लाइट आ जाएगी। फिर अगर आपको डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको इन छः पॉइंट को सिर्फ चेक करना पड़ेगा, इन्हें की चेक नहीं करना पड़ेगा, कि आपको पता ही है ये ग्राउंड है कभी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो आपको लाइट भी चेक करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही कि लाइटिंग है, आपको डिस्प्ले के ढूंढने हैं। तो इन छः पॉइंटों में आपने कनेक्टिविटी ढूंढनी है, अगर किसी एक पॉइंट पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही तो आपको उस पॉइंट को बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट बनाने का मैं तरीकाकार आपको बता लेता हूँ, और आप इंशाल्लाह अगले मोबाइल को भी इसी की तरह से रिपेयर करवाओगे जैसे कि ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को एक काम कर देता हूँ कि इसकी बैक साइड में आप लोगों को दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये 12 पॉइंट, ठीक है। अब 12 के यहाँ आप देखो, मैं इस तस्वीर को ज़रा जूम कर देता हूँ डिस्प्ले एरिया को, सही है। ये रहा हमारा डिस्प्ले एरिया, 6 प्रिंट हमारे पास यहाँ पर, मैंने डिस्प्ले के अलग कर चुका हूँ ये पीले कलर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 रेजिस्टर ये लगे हुए हैं, ये 2 रेजिस्टर हैं बीच वाले सेट वाले कैपेसिटर है, ठीक है, और ये 4 रेजिस्टर ये लगे हुए हैं और 4 नीचे लगे हुए, तकरीबन 2 4 6, सही है, 6 और 4, ये आपके हो गए 10, टोटल 10 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये 2 कैपेसिटर, ये एरिया आपके डिस्प्ले का है, ठीक है, ये एरिया आपके है डिस्प्ले का। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ये वाला आपके मोबाइल की डिस्प्ले, वो वोल्टेज यहाँ से गुजर रही होती है, ठीक है। अब वहां पर तो प्रिंट 6 है और यहाँ पर ये रजिस्टर 10, तो अब ये देखता कि ये 10 नहीं ये 6 ही है। अभी मैं आप लोगों को ये साबित करके बताता हूँ कि ये 10 नहीं है 6 है। यहाँ पर इन पॉइंटों को गिना जाता है, रजिस्टर को नहीं गिना जाता, कि रिपेयर करते वक्त आप ये नहीं देखोगे कि इसमें रजिस्टर तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है, किस रजिस्टर से आपकी वैल्यू नहीं आ रही है। आप ये देखोगे कि इनको नहीं गिना जाता, आप इन पॉइंटों को गिरोगे जो इसके नीचे ग्रीन पॉइंट है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये वायरिंग हुई है, आप इन्हें गिनोगे। ये रहे आपके फर्स्ट, सही है, सेकंड, थर्ड, और ये आपका चौथा, फोर, सही है। ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, सही, ये देखिए। फिर यहाँ पर ये प्रिंट आ रहे हैं मेन आईसी से, यहाँ पर आपके जा रहे हैं एलसीडी के डिस्प्ले पे, इनके बीच में ये रजिस्टर लगाए हुए हैं कि कभी मोबाइल पे लोड पड़े या एलसीडी पे वहाँ पर से कोई मसला आए तो मसला जो है ना डायरेक्ट मेन आईसी पे ना पहुँचे, बीच में ये रजिस्टर ही कट जाए या ख़राब हो जाए, ठीक है। फिर ये रजिस्टर यहाँ से यू डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कलर बदली कर देता हूँ, एक मिनट, सही है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर, सही है, इस तरह से होल्ड गुजरते हैं। आप चाहे कि इसके नीचे वाले साइड से या चाहे आप ऊपर वाले सेट, या यहाँ से आप जंपर दो या यहाँ से आप जंपर दोगे तो आपका काम फिर भी हो जाएगा। अगर आप इसे देखो, आपके वो ये 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं ज़रा इस तस्वीर को दोबारा से इस लाइन को ख़त्म करवा दूँ, ठीक है। अच्छा, ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दी है इसको, यहाँ पर मैं इसे खोला नहीं हुआ था, ठीक है, मुझे नई पेज लेना चाहिए था, बहरहाल ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पर ये 2 पॉइंट, ठीक है, ये रहे 2, ठीक है, और ये यहाँ से आ रहे हैं आपके, इसको मैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब डिस्प्ले के आपके प्रिंट 12 से 6 बन गए, ठीक है। यहाँ से कहीं पर भी आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो आपको डिस्प्ले के एरिया मालूम हो गया और उसकी जंपरिंग भी आपको मालूम होगी, कोई भी एक पॉइंट नहीं आ रहा हो ना, तो आप यहाँ पर भी कनेक्टिविटी उसकी चेक करोगे कि यहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं, और ये तो बहुत ही कम हो गया ना, मतलब आपको आराम से पता चल जाएगा, 1 सेकंड में चेक हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है या नहीं, फिर आप उसे आराम से
मज़ीद क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा जो ये नीचे का एरिया है हमारा, सही है, ये वाला, ये देखो, सही है, ये एरिया है हमारे लाइटिंग का। ठीक है, जो डिस्प्ले को भी लाइट देता है, मतलब आप इसको एक वापडा कह दो मोबाइल में कि ये आपकी एलसीडी को भी लाइटिंग देता है और ये कीपैड की एक लाइट लगी हुई है इसको भी देता है। तो मोबाइल की तमाम लाइटें डीसी होती है, अगर आप उसमें प्लस माइनस में उल्टा पुल्टा लगाओगे तो याद रखना कि वो लाइट आपकी ऑन नहीं होगी। ठीक है, आपको प्लस के साथ प्लस ही और माइनस के साथ माइनस को ही कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ये भी हम देखेंगे कि रजिस्टर और कैपेसिटर में फ़र्क क्या होता है, रजिस्टर कहाँ पर यूज़ होता है मोबाइल में और कैपेसिटर कहाँ पर यूज़ होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि रजिस्टर और कैपेसिटर में फ़र्क क्या होता है मोबाइल में। ठीक है, और वो किस तरह से मोबाइल में लगाए होते हैं और किस रजिस्टर के साथ आप रजिस्टर से और कैपेसिटर से आपसे क्या काम ले सकते हैं। अब डिस्प्ले के एरिया है, सही है, तो मैं आपको बता दूं कि लाइट का प्लस पॉइंट ये वो होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, जिसको लाइट की जो प्लस पॉइंट होता है उसे कहते हैं ऑटोमेटिक। वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि उसका ऑटोमेटिक पॉइंट ये रहा। ठीक है, ये मेन आईसी से आ रहा है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा। सही, यहाँ से यू आके इस रजिस्टर से गुजर के, ठीक है, यहाँ से गुजर के आपकी एलसीडी की लाइट पे जाता है यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाता है जो प्लस है, और माइनस तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये ग्राउंड वगैरह सब खाई से भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हो इस कलर को, अगर आप ब्लेड से क्रूज दो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये नंबर जो आपको नज़र आ रहा है आप इसके साथ भी टांग करके यहाँ से इसकी कलर ले सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप माइनस को, आपको माइनस चाहिए ना, तो आप इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दो, सही ना, ये तीसरा और चौथे को, क्योंकि आपको पता है कि ये माइनस है, मैंने आपको बताया था कि ये चौथा पॉइंट इसका माइनस है। आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो और फिर ये प्लस का है तो प्लस से आप एक कनेक्शन ले के आप इस साइड पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इस रजिस्टर पे लगाएं, ये तीन पैर वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा इसके तीन पैर वाला ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके नीचे जो रजिस्टर है आप इस रजिस्टर की इस कोने से या फिर यहाँ से या फिर नीचे जो ये नुकता होता है यहाँ से ले ले तो आपकी मोबाइल की एलसीडी और डिस्प्ले लाइट जो है वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये तरीकाकार सिर्फ इस बार 80 मोबाइल के लिए नहीं है, तकरीबन सोचो कि मैं अगर नाम लेना चाहूँ नोकिया 1616, 1800, 1202, 1203, ये 108, 105, 101, X1, C1, C2, इतने जितने भी मोबाइल है, अभी मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है, 1616 है, 1661 भी है, ठीक है, 5030, ये बहुत सारे मोबाइल हैं, इन सब में ये कनेक्शन इस तरह होते हैं। सही है, आपको उस सब में 12 प्रिंट की ही एलसीडी मिलेगी, इन जितने भी मोबाइल के मैंने नाम लिए हैं, सही है ना, उन सब में आपको 12 पिन की एलसीडी मिलेगी। और 12 पिन एलसीडी को सॉल्व करने का तरीका सबसे यही है कि ग्राउंड कभी ख़राब नहीं होते हैं। सही है, लाइट आपको मैंने अलग करके दे दिए कि ये दोनों आपके लाइट होते हैं। ठीक है, आप लाइट को बनवाना चाहे तो यहाँ से ऐसी तरीके से करते हो, और यहाँ पर मैंने आपको डिस्प्ले के पॉइंट अलग करके दे दिए हैं कि तमाम मोबाइलों को आप सिर्फ इस मोबाइल पर ज़्यादा गौर करें कि आप जैसे हम इस नोकिया 1280 की सर्किट को पढ़ लेंगे कंप्लीट, तो आप एक साथ कम से कम यूज हो चुके 50 से 100 मोबाइल का रिपेयरिंग आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, फिर रहती है प्रैक्टिस, तो अगर आप मेरे पास सामने होते तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता। ठीक है, मैं आप लोगों को शायद वो कहते हैं कि मुर्गा बना के भी प्रैक्टिस करवा देता, लेकिन आप नहीं हो, दूर हो, तो कोशिश करें कि जब मैं प्रैक्टिस के लिए आपकी क्लासेस शुरू करवा दूं तो आप लोग प्रैक्टिस साथ में शुरू कर दें। ठीक है, अगर हो सके तो दोस्तों कहीं से जाके किसी दुकानदार से नोकिया 1280 का सर्किट उठा ले, उसे बोल दे कि भाई कोई डेड सर्किट नोकिया 1280 का आपके पास पड़ा हुआ है तो दे दो, आपको फ्री में दे देगा, कोई मसला नहीं, इसके कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा। वो अगर उससे पैसे लेने भी होंगे तो आपको
50 या 100 रुपये में वो दे देगा, नहीं तो ये आपको 1.5 सर्कल इसका फ्री में मिल जाएगा, आप ये उठा दे। क्योंकि जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके फिजिकली ये सर्किट आपके पास मौजूद होना चाहिए, और आपको इसके पार्ट्स मैं वीडियो बता रहा हूँ तो आपका आप सर्किट हाथ में पकड़े और आप देख ले कि ये किस किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप उसे देखोगे तो यकीनन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसके प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा हर एक चीज़ को, एक बल्कि हम एक डब्बा पैक मोबाइल उठाएंगे उसमें खुद से मसले बनाएंगे, ये सारे कनेक्शन काटेंगे और हर एक कनेक्शन को हम दोबारा से ज्वाइन भी करेंगे, उसकी लाइटिंग भी बनाएंगे, एलसीडी भी चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे उसका, और आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हम इस सर्किट को मुकम्मल कर लें, ठीक है, इसके हर एक पार्ट्स को हर एक चीज़ को हम देख लें तो आप लोगों को बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पूरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।